क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है सर कि अगर कोई लेडीज कोई लोग प्रोफेशन में हो, किसी के काम में हो या फिर कुछ भी अपना कोई प्रोफेशन करती हो, तो वहाँ पर उसको इक्वलिटी फील होनी चाहिए और उसकी जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए और किसी प्रकार का उसको कोई वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। जो आर्टिकल 14 और 15 में वीमेन इक्वलिटी का जो राइट दिया गया है, एक तो उसका एक्सप्लोइटेशन ना होना चाहिए और एक तो किसी भी ट्रेड में है, प्रोफेशन में है, ऑक्यूपेशन में है, बिजनेस में है, उसे उसकी डिग्निटी की जो है हमें उसकी डिग्निटी बनाए रखनी है, ये इसमें कहा गया है। शॉर्ट टाइटल के रूप में इसको क्या कह सकते हैं, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल। आप पीपीआर के नाम से इसको आप जान सकते हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट वर्क एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट जिनका बार बार उसमें यूज किया गया है, वो जो वर्ड है, पहला जो वर्ड है एग्रीड वीमेन, उसमें कंप्लेमेंट नहीं होता है, उसमें बोलते हैं